बेरी मिल फॉलो थ्रू के बाद अब जो नेक्स्ट है बैगन सीरीज का लास्ट इन्वेस्टिगेशन जो आता है वो होता है बेरियम एनीमा। आज मैं आपको बेरियम एनीमा बताऊंगा, बेरियम एनीमा किस तरीके से किया जाता है और क्या देखने के लिए किया जाता है। तो बेरियम एनीमा में सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो बेरियम एनीमा का है वो है, बेरियम एनीमा स्पेशल रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर जो है वो लार्ज बाउल के साथ कोलोन और रेक्टम को विजुलाइज करने के लिए किया जाता है। इसको लार्ज बाउल के साथ कोलोन और रेक्टम को विजुलाइज करने के लिए किया जाता है। इस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू बेरियम कंट्रास्ट जो होता है उसका यूज करते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मिलिटीज को बेरियम एनीमा के थ्रू फाइंड आउट किया जाता है या डायग्नोस किया जाता है। ये बेरियम एनीमा जो है ये भी टू मेथड से होता है, दो मेथड से किया जाता है। किस किस से? सिंगल कंट्रास्ट स्टडी और डबल कंट्रास्ट स्टडी। तो सिंगल कंट्रास्ट स्टडी से क्या देखने के लिए किया जाता है? सिंगल कंट्रास्ट स्टडी जो होती है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मिलिटी को एब्यूट करने के लिए होती है, ठीक। जबकि डबल कंट्रास्ट स्टडी जो है वो फिर वही म्यूकोजल डिटेल्स को एब्यूट करने में होती है इसकी यूज। अब आते हैं अपन एनाटॉमी क्या होती है। एनाटॉमी ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो 5 फीट लॉन्ग होती है और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करती है। ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो सीकम से स्टार्ट होती है, सीकम से स्टार्ट होकर शुरू होकर स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होती है। इससे स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होती है। यह सीकम कोलोन रेक्टम और एनल कैनल से में डिवाइड होती है। इसमें सीकम कोलोन रेक्टम और एनल कैनल से में डिवाइड होती है। अब एसेंडिंग कोलोन, एसेंडिंग कोलोन क्या होता है? यह ट्रांसवर्स कोलोन और सीकम के बीच में लोकेट होता है। कहां? ट्रांसवर्स कोलोन सीकम और के बीच में लोकेट होता है। यह लीवर की तरफ सरफेस की तरफ बैंड होता है, लीवर से की तरफ जो होता है सरफेस से बैंड होता है और हेपेटिक प्लेसर और ट्रांसवर्स कॉलम फॉर्म करता है, बनाता है, ठीक। अब आता है ट्रांसवर्स कॉलम। ट्रांसवर्स कॉलम जो होता है हेपेटिक प्लेसर से स्टार्ट होकर स्प्लेनिक प्लेसर तक होता है, जहां से यह बैंड होकर डिसेंडिंग कॉलम तक जाता है। कहां तक? डिसेंडिंग कॉलम तक, ठीक। डिसेंडिंग कॉलम क्या होता है? डिसेंडिंग कॉलम जो होता है वो स्प्लेनिक प्लेसर और सिग्मॉइड कॉलम के बीच में लोकेट होता है, ठीक। अब अपन आते हैं सिग्मॉइड कॉलम, यह एस शेप्ड होता है। सिग्मॉइड कॉलम जो होता है वो एस शेप्ड होता है और डिसेंडिंग कॉलम और रेक्टम के बीच में होता है लोकेट। अब आता है रेक्टम, यह लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट सेक्शन होता है। रेक्टम जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट सेक्शन है, ठीक, जो कि फेसेस जो होते हैं स्ट्रूल जो होता है उसको होल्ड करता है, ठीक, रोक के रखता है। हिंदी में कहते हैं मल, मल को रोक के रखता है क्या? रेक्टम। अब आता है इंडिकेशन, बेरियम एनीमिया के इंडिकेशन क्या है। बेरियम एनीमा का सबसे पहला इंडिकेशन जो है जिन किन परिस्थितियों में किया जाता है बेरियम एनीमा, उसमें सबसे पहला सस्पेक्टेड मास पॉलिप्स एंड लीजन इन लार्ज इंटेस्टाइन, दूसरा चेंज इन बाउल हैबिट, एब्डोमिनल पेन, क्रोनिक डायरिया, लॉस ऑफ वेट, ब्लीडिंग पर रेक्टम, मेलिना कैंसर स्टेज है, डायवर्टिक क्लोसिस, ये इसके इंडिकेशन। अब कंट्रा इंडिकेशन क्या क्या है, किन परिस्थिति में नहीं किया जा सकता। तो कंट्रा इंडिकेशन में ब्लीडिंग, पाइल्स, रीसेंट बायोप्सी, अगर बायोप्सी हुई हो तुरंत में, इनकम्प्लीट बाउल प्रिपरेशन, सस्पेक्टेड फिस्टुला, सस्पेक्टेड परफोरेशन, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी और कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, इन परिस्थितियों में, इन कंट्राइंडिकेशंस में बेरियम नहीं किया जाता। अब आते हैं
इक्विपमेंट कौन कौन से लगते हैं बैरियम एनीमा में? वही इक्विपमेंट्स, फ्लोरोस्कोपिक केबिन विद इमेज इंटेंसिफायर, ठीक, स्पॉट फिल्म डिवाइस और कैसे। दूसरा, इसमें हाई डेंसिटी BaSO4 सस्पेंशन लगता, ठीक, या पाउडर लगता, हाई डेंसिटी BaSO4 पाउडर। एनीमा कंटेनर विद ट्यूब, एक एनीमा कंटेनर, एनीमा देने के लिए ट्यूब के साथ, साथ ही लुब्रिकेंट जेली जरूरी होती है, ड्रिप स्टैंड जिसमें ड्रिप चलाते हैं वो ड्रिप स्टैंड, और न्यूमेटिक बॉल एयर इंफ्लेट करने के लिए न्यूमेटिक बॉल चाहिए रहता है जिससे एयर अंदर पुश की जा सके, ठीक। अब आते हैं अपन पेशेंट प्रिपरेशन, बैरियम एनीमा के लिए प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए। एग्जामिनेशन या जांच से 2 दिन पहले पेशेंट को हल्का खाना खाने की हिदायत दी जाती है, साथ ही जांच के पहले नाइट में, जैसे आज जांच करनी है या कल जांच करनी, तो आज रात में उसे लग्जेक्टिव टैबलेट्स या लग्जेक्टिव मेडिसिन दी जाती है और जांच के 6 घंटे पहले से खाली पेट रहने की हिदायत दी जाती है। अब आते हैं अपन प्रोसीजर, प्रोसीजर में जांच वाले दिन पेशेंट को पूरे प्रोसीजर के बारे में डिस्क्राइब करना जरूरी है हर इन्वेस्टिगेशन में, साथ ही डिस्क्राइब करने के बाद रेडियोग्राफर जो होते हैं वो कंसर्न फॉर्म में साइन लेके पेशेंट से प्रोसीजर के लिए सहमति प्राप्त करते हैं, ये भी जरूरी है, ठीक। और उसके बाद पेशेंट को हॉस्पिटल गाउन दिया जाता है पहनने के लिए, उसकी क्लॉथ रिमूव करके, क्लॉथ रिमूव करके हॉस्पिटल गाउन पहनने के बाद पेशेंट को प्लेन वाटर एनीमा दिया जाता है, ठीक। क्या करते हैं, प्लेन वाटर एनीमा देते हैं ताकि फेशियल मटेरियल जो है वो क्लियर हो जाए, पेट में जो मल वगैरह भरा हुआ है वो साफ हो जाए, ठीक, स्टूल वगैरह जो है वो साफ हो जाए, क्लियर हो जाए। इसके पश्चात रेडियोग्राफर जो होते हैं वो आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं, कंट्रास्ट मीडिया प्रिपेयर करते हैं। कंट्रास्ट मीडिया प्रिपरेशन में क्या करते हैं, 1 लीटर वाटर में लगभग 300 से 400 ग्राम BaSO4 पाउडर मिक्स करते हुए सस्पेंशन तैयार किया जाता है। 1 लीटर वाटर में 300 से 400 ग्राम BaSO4 पाउडर को मिक्स करके उस पाउडर को और सस्पेंशन को तैयार किया जाता है। अब सब सस्पेंशन तैयार हो जाता है, उसके बाद शुरू करते हैं सिंगल कंट्रास्ट स्टडी प्रोसीजर। इसके लिए पेशेंट को एक्सरे टेबल पर सोपाइन पोजिशन पर लिटाते हैं रेडियोग्राफर पहले, और एक फुल KOV रीजन की फिल्म लेते हैं, किसलिए, बाउल प्रिपरेशन को देखने के लिए, ठीक। बाउल प्रिपरेशन अगर सही है, उसमें फेशियल मटेरियल है तो जांच, अगर सही नहीं है, अगर बाउल प्रिपरेशन ठीक नहीं है, फेशियल मटेरियल अभी भी है प्लेन वाटर एनीमा देने के बाद भी, तो उस इन्वेस्टिगेशन को नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया जाता, आगे बढ़ा दिया जाता। अगर बाउल प्रिपरेशन अच्छी है, साफ है, क्लियर है, तब पेशेंट को सिम्स पोजिशन कौन सी होती है, लेफ्ट लैटरल पोजिशन में करते हुए एक वेल लुब्रिकेटेड एनीमा टिप को रेक्टम में जेंटली इंसर्ट करते हैं, लैटरिन के रास्ते पे इंसर्ट करते हैं। ड्यूरिंग एक्सप्रेशन फेज रेडियोलॉजिस्ट ये सब प्रोसीजर को अंडर फ्लोरोस्कोपी ऑब्जर्व करते रहते हैं और पेशेंट को चेक करते रहते हैं, साथ ही एनीमा बैग या कंटेनर को लगभग 60 सेंटीमीटर टेबल से ऊपर की तरफ रखकर पेशेंट को सोपाइन पोजीशन में करते हुए लेफ्ट लैटरल उसमें भी जब इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक, नोजल, उसके बाद उसको सोपाइन पोजीशन में करके कंटेनर को लगभग 60 सेंटीमीटर ऊपर टेबल से ले जाते हैं, लटकाते हैं, हैंग करते हैं और कंट्रास्ट इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, कंट्रास्ट इंसर्ट करना शुरू करते हैं, इंजेक्ट करना शुरू करते हैं। इस दौरान पेशेंट को बैरियम रोक कर रखने की हिदायत दी जाती है, जो बैरियम उसके पेट में जा रहा है उसको रोक के रखने के लिए कहते हैं, छोड़ने को नहीं कहते। इसके लिए शुरुआत करते समय इन्वेस्टिगेशन की टेबल को पूरा मैकिंटॉश स्लीट से कवर कर दिया जाता है ताकि गलती से अगर बैरियम छूट जाए तो वह एक्सरे में भ्रम पैदा ना करे, इसलिए मैकिंटॉश शीट से टेबल को
कवर कर दिया जाता है, ठीक। साथ ही अंडर फ्लोरोस्कोपी बैरियम को कोलोन के थ्रू इंस्टॉल करते हैं, ठीक। इंस्टॉलेशन के दौरान जब बैरियम रेक्टम में फिल होता है तब ट्यूब को क्लैंप करते हुए रेक्टम और सिग्मोइड की स्पॉट फिल्म लेते हैं। स्पॉट फिल्म लेने के बाद पेशेंट को प्रोन पोजीशन में करते हैं। इस पोजीशन में करते हैं, प्रोन पोजीशन में करते हुए जब बैरियम रेक्टो सिग्मोइड जंक्शन तक पहुंचता है, कहां तक? रेक्टो सिग्मोइड जंक्शन तक पहुंचता है तब रेडियोग्राफ लिया जाता है, तब उस समय एक रेडियोग्राफ ले लिया। इसके पश्चात पेशेंट को लेफ्ट साउट साइड डाउन पोजीशन करते हैं, जैसे ये फिल्म है तो उसके बाद लेफ्ट साइड डाउन पोजीशन करते हैं, जबकि बैरियम जो होता है स्प्लेनिक प्लेजर तक पहुंचता है, तब तक बैरियम जो होता है स्प्लेनिक प्लेजर तक पहुंच जाता है, तब रेडियोग्राफ ले लिया जाता है एक और। इसके पश्चात पेशेंट को राइट साइड डाउन पोजीशन में करते हुए जब बैरियम हेपेटिक प्लेजर में पहुंचता है तब बैरियम सीकम और तक भी पहुंच जाता है, तब एक रेडियोग्राफ लिया जाता है, ठीक। इसके अलावा एडिशनल फिल्मिंग क्या होती है, ये सब प्रोसीजर रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ऑब्जर्व करते रहते हैं फ्लोरोस्कोपी या इमेज इंटेंसिफायर स्क्रीन के ऊपर, उसको देख के फिल्में ली जाती हैं। अब आती है एडिशनल फिल्मिंग क्या होती है, प्री एवोक्यूशन में पीए फॉर इंटायर कोलोन, ठीक। दूसरी जो होती है वो ट्रू लेटरल फॉर जो होती है ट्रू लेटरल पोजीशन में वो होती है रेक्टोसिग्माइड और प्री सैक्रल स्पेस के एवोल्यूशन पर्पस से, ठीक। तीसरी एडिशनल फिल्म जो है वो है पेल्विस एपी व्यू, क्यों लिया जाता है, फॉर रेक्टम और सिग्माइड। और चौथी है राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक और लेफ्ट पोस्टीरियर ऑब्लिक, वो स्प्लेनिक प्लेसर हेपेटिक प्लेसर और कोलोन को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, ठीक। सिंगल कंट्रास्ट स्टडी कंप्लीट होने के पश्चात एनिमा टिप को रिमूव करते हुए पेशेंट को बैरियम को खाली करके आने के लिए कहा जाता है। अब मैं आगे जो बताऊंगा आपको वो बताऊंगा डबल कंट्रास्ट स्टडी। डबल कंट्रास्ट स्टडी के लिए क्या करते हैं बैरियम एनीमा में, जैसे ही पेशेंट बैरियम को खाली करके आता है उसके बाद पेशेंट को तुरंत बैरियम खाली करके आने के पश्चात लेफ्ट लेटरल पोजीशन में प्लेस करते हैं टेबल पे, ठीक। और एक लुब्रिकेटेड न्यूमेटिक वॉल्व टिप रेक्टम में जेंटली पुश करते हुए इंसर्ट करते हुए कोलोन को डिस्टेंड करने के लिए एयर पुश तब तक की जाती, तब तक एयर पुश करते हैं, ठीक, जब तक कि पेशेंट डिसकंफर्ट महसूस न करने लगे, ठीक। डिसकंफर्ट जब पेशेंट महसूस करने लगता है तब रेडियोलॉजिस्ट फ्लोरोस्कोपी में गैस को कोलोन में देखते हुए एब्ल्यूट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। जब पूरा कोलोन इंटायर कोलोन में एयर फिल हो जाती है, एयर भर जाती है, तब एब्डोमिन एपी फिल्म ली जाती है, ठीक। इसे डबल कंट्रास्ट स्टडी के कंप्लीट होने के पश्चात न्यूमेटिक वॉल्व टिप रिमूव कर ली जाती है, ठीक। इसमें डबल कंट्रास्ट में एडिशनल फिल्मिंग क्या होती है, जिसे एयर कंट्रास्ट स्टडी भी कहा जाता है। पहला लैटरल डेक्यूबिटस एब्डोमिन, लैटरल डेक्यूबिटस एब्डोमिन जो है वो एडिशनल फिल्म के तौर पर लिया जाता है। हॉरिजॉन्टल सेंटर रे के थ्रू रेडियोग्राफ लेते हैं इसमें, ठीक। लैटरल डेक्यूबिटस मैंने आपको बताया पोजीशन में, जिससे डिसेंडिंग कॉलोन असेंडिंग कॉलोन हेपेटिक प्लेजर और स्प्लेनिक प्लेजर को एब्ल्यूट किया जा सकता है, ठीक, लैटरल डेक्यूबिटस। दूसरी एडिशनल फिल्म जो है वो रेक्टोसिग्माइड रीजन, जिसके लिए प्रोन पोजीशन में एक्सरे किया जाता है या लिया जाता है। आफ्टर क्या केयर क्या होती है, इसको खत्म होने के बाद पेशेंट को फ्लूड इंटेक इंक्रीज करने को कहा जाता है, ताकि कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड किया जा सके। और साथ ही पेशेंट को इन्फॉर्म किया जाता है कि अगले दो दिन तक उसे वाइट फेसेस हो सकता है, वाइट स्टूल हो सकता है, वाइट मोशन हो सकता है, इससे वो घबराएंगे। इस प्रकार से बैरियम एनीमा स्टडी समाप्त हो। थैंक यू।